हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गेम यूट्यूबर पर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैप्टन अमेरिका का गेम अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं डॉल्फिन एमुलेटर के लिए। तो आप इस बहुत से मेरे कैप्टन अमेरिका के फ़ैन तो होंगे ही, तो चलिए आपको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। करीबन एक जीबी का ये गेम है, 1.5 GB का ये गेम है। तो आप इसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई एक्सट्रैक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आप बस इसे डाउनलोड कर लीजिए और सीधा अपने जेड आर्काइवर में जाकर एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैंने इस गेम को अपने एसडी कार्ड में रखा हुआ, मेमोरी कार्ड में, इसलिए मैं इसको यहाँ डाउनलोड किया। तो अब मैं इसको पहले एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, फोल्डर क्रिएट करना लाजिम है। तो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम आप डॉल्फिन रख सकते हैं या कोई भी रख सकते हैं। ओके, ये हमने इसका नाम रख दिया। ओके, अब इस फोल्डर में इस गेम को उठा के रखेंगे, इसे कट कर लें यहाँ से। इसको डॉल्फिन के फोल्डर में ये यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे, बस सिंपल ऐसा करना है आपने। उसके बाद अपना डॉल्फिन एमुलेटर ओपन कर लीजिए। डॉल्फिन एमुलेटर प्ले स्टोर से आराम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये डॉल्फिन एमुलेटर मैंने अपना ओपन कर लिया। ये देखें, मेरे पास तो ये गेम पहले ऑलरेडी है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे कैसे ऐड कर सकते हैं। ये ऐड गेम्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से अगर आगे बस कुछ ऐसा ऑप्शन आए जहाँ पर आपने गेम रखी हुई है। मैं अपने एसडी कार्ड में गेम रखी, इसलिए मैं एसडी कार्ड में जाकर जिस फोल्डर में मैंने गेम रखी मैं उसे चूज करूँगा। ये डॉल्फिन फोल्डर में मैंने अपनी गेम रखी, यूज दिस फोल्डर, अलाउ कर दिया। तो ये देखिए मेरी गेम यहाँ पर दोबारा आ गई। ये देखिए मैं इसका आपको खेल कर दिखाता हूँ। हमारी गेम शुरू हो चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके।